Sadhguru Designer Wedding Collection, Handpicked Fabrics and Premium Brands, Sadhguru Store, Nagina Bagh, Ajmer. Jai Hind, मैं ललित खत्री, आज है 8 मार्च, 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में विश्व भर में अलग अलग देशों में अलग अलग राष्ट्रों में, चाहे वो विकसित हो चाहे वो विकासशील हो, सभी राष्ट्रों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है. ये मुद्दे आर्थिक मुद्दे हो सकते हैं, ये मुद्दे सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं, साथ ही महिलाओं को किस तरह विकसित किया जाए, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इन मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है. इसी क्रम में अजमेर के अंदर एमपीटीवी इंडिया की कोशिश है कि ऐसी महिलाएं जो समाज में विशेष स्थान रखती है, प्रभावशाली महिलाएं हैं और समाज के लिए कुछ कार्य कर रही हैं, ऐसी महिलाओं से अजमेर की जनता को रूबरू कराया जाए. इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं अजमेर की एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और असिस्टेंट डायरेक्टर कोमल अलवानी मैम. मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में हमारे, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की. मैम, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपने क्या सोचा, आप जब अभी शिक्षा के क्षेत्र में आए तो आपने क्या सोचा शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए? सर, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मुझे एजुकेशन लाइन ही कंटिन्यू करनी है, क्योंकि मेरा एमसीए था तो मेरे को ये था कि मैं वेब डेवलपर बनूंगी. जी जी. पर जैसे ही था कि थोड़ा सा अजमेर से बाहर नहीं जा सकते थे फैमिली रीजन के कारण, तो मैंने फिर एजुकेशन लाइन में ट्राई किया और इंटरव्यू दिए तो सिलेक्शन हो गया. तब से मैं यहाँ पर हूँ और मेरे को फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया और अब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैं एजुकेशन लाइन में हूँ और एजुकेशन लेवल पे ही मुझे काम करना है. अब अजमेर में मैम काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, तो हम लोग आजकल देख रहे हैं कि कई बालिकाएं जो हैं, अजमेर की बालिकाएं हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र अब ड्रॉप आउट कर जाती हैं, कॉलेज नहीं करती हैं, और उनके पास उसका कारण होता है कि उनके पास पैसे की कमी होती है, कोई भी कारण हो सकता है. तो मैम, आपको सजेस्ट करना चाहेंगी कि अजमेर की बालिकाएं इस तरह से ड्रॉप आउट ना करें. क्या अजमेर के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इस क्षेत्र में कुछ सहयोग कर सकती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं अभी भी, मैं लास्ट मंथ में पुष्कर गई थी, तो वहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स हैं जिन्होंने का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज या गवर्नमेंट जी सी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ परसेंटेज नहीं थी, तो एस सी एस टी की कैटेगरी थी, तो वो क्या कर रही है, बैठकर घर बैठे हैं, खाना बना रही हैं, गुलाब की खेती कर रहे हैं. पर उनको ये आइडिया ही नहीं है कि हम एस सी एस टी की जो सरकार पैसा दे रही है वो वैसा ही सारा सब कुछ रहता है, वो सब कुछ शिक्षा के क्षेत्र में हमारे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी दे रही है. मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से रहकर अपना शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस भी कर सकती हैं, पर उनको लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो रह जाती हैं और वो अपने घर बैठकर अपना, यानी एक साल छूटा, यानी वो सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, इस साल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर आता नहीं है और वो क्या सोचते हैं कि 12th पढ़ लिया अब बहुत है, इतने में उनकी घर वाले मैरिज ही कर लेते हैं. तो मैं चाह रही हूँ कि गर्ल्स के लिए अगर एस सी एस टी है तो वो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस में भी एक बार ट्राई करें. बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस में ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 90% तक स्कॉलरशिप दी जा रही है, पर वही है कि बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं है और इवन पेरेंट्स को भी नहीं है. तो मैं यही चाह रही हूँ कि जो भी है गर्ल्स और जो भी मदर्स हैं वो एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करें यूनिवर्सिटियों में जाकर, 90% तक स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले सकते हैं. मैं पूछना चाहूँगा कि अभी आप असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर विराजमान हैं, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होती, असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं होती, तो आप अपने आप को किस जगह पर देखती? मैं फिर तो मैं वेब डेवलपर की पोस्ट पे ही देखती, एज अ वेब डिज़ाइनर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसी में, इसी फील्ड में देखती. अब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैं एजुकेशन लाइन में हूँ. क्यों? क्योंकि इससे लेकर मेरे को बहुत सारे लोगों के लिए और बहुत, मतलब हर चीज़ नया होता है. मतलब एजुकेशन लाइन में ही ऐसा रहता है कि हम सिर्फ एक एजुकेशन से टच में नहीं रहते, ऑल ओवर अपडेशन रहता है. मैम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आप अजमेर की बालिकाओं को, अजमेर की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि विमेंस डे पे एक तो आप प्लीज़ अपनी गर्ल्स को कंटिन्यू स्टडीज़ कराएं. स्टडीज से क्या होता है, इनमें कॉन्फिडेंस, और दूसरा जॉब के लिए भी एक बार तो लाइफ में जॉब करनी चाहिए, चाहे वो एक साल करे कि दो साल करे. उसके बाद इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. वो आप बोलते हैं ना सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये आने के बावजूद भी अगर वो जॉब लाइन में आ जाते हैं ना, तो उनको पता चल जाता है कि किस तरह के मार्केट में पर्सन अवेलेबल हैं, उनको हैंडल करने का तरीका आ जाता है. धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया. तो ये थे अजमेर में एक प्रसिद्ध निजी विश्वविद्यालय की असिस्टेंट डायरेक्टर कोमल अलवानी. इसी तरह की महिलाओं से अजमेर की जनता को एमटीटीवी इंडिया रूबरू कराता रहेगा, ऐसी महिलाएं जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है.
अजमेर के लिए, अजमेर की जनता के लिए किसी भी तरह से सेवा दे रही है, सेवा कर रही है, ऐसी ऐसी महिलाओं से अजमेर की जनता को एमटीटीवी इंडिया रूबरू कराता रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।